हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड, आपकी शादी किससे और कब होगी, हु विल यू मैरी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे होगा, कैसे स्टार्ट होगी ये जर्नी, कैसे आप उनको मिलेंगे और कब और किन हालात में मिलेंगे, और आपकी शादी कब होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, उनका ज़ोडियक साइन क्या होगा, तमाम पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, लड़की या लड़का, मर्द या औरत, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, कि आप दोनों की शादी कैसे, कब और कहाँ होगी, और क्या हालात होंगे, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मिलेंगे कैसे, और ये यूनियन कैसे होगी, और सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन के साथ आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं कर रही, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। डोंट ट्राई टू फोर्स इट, अपने आप को उसमें फिट करने की या फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर कलेक्टिव व्यूअर्स, हज़ारों लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को क्लेम करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। वीडियो में कमेंट्स में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं, या आप वाकई इस तरह के इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में साइंस मिल चुके हैं, तो ये आपके लिए एक कन्फर्मेशन होगी। अच्छा, आपके सामने दो लवर्स कार्ड है, ठीक है। आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहें तो ये उन लोगों के लिए है जो इंट्यूटिवली पिक करना चाहेंगे, पाइल नंबर वन एंड कार्ड नंबर टू, ठीक है। वीडियो को पास करके आप इंट्यूटिवली पिक कर लें, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो उन लोगों के लिए यहाँ पे इनिशियल्स हैं, आप अपना इनिशियल, जो आपका अपना है इनिशियल्स, उसके लिहाज से पाइल नंबर वन, और सॉरी अगर आपको नज़र आ रहा है तो पाइल नंबर वन, ठीक है, और ये है पाइल नंबर टू। आपने अपना इनिशियल चूज़ करना है उसके लिहाज से, ठीक है। वी विल यूज़ टैरो, ओरेकल्स कार्ड, चार्म्स भी यूज़ करेंगे, उसमें इनिशियल होंगे, सब कुछ होगा, तो देख लेंगे कि आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कब, कहाँ, कैसे, और कब आपकी शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ऑल द डिटेल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स गो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने, जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम, और आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, सम ओरेकल्स कार्ड है, उसके बाद हम टैरो यूज़ करेंगे। वी हैव अ सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अभी आप इनको नहीं मिले हैं, ठीक है, फिजिकली नहीं मिले हैं, जैसे फेस टू फेस होता है, या मुलाकात होती है, या डेट करना है, या रिलेशनशिप में आप अभी इनके नहीं आए हैं, लेकिन ये इंसान स्पिरिट वाइज आपके साथ हमेशा से आपके साथ मौजूद है। आपकी दिल, आपका दिल, आपका सोल, आपकी हार्ट आपको हमेशा बोलता है दिस पर्सन इज़ आउट देयर, कहीं ना कहीं दुनिया में ये इंसान ज़रूर है, और आप इनको फील करते हैं। आपको हो सकता है इस इंसान के बारे में ड्रीम्स आते हैं, आपको साइन पता चलता है, आपको ऑलरेडी फील होता है कि ये इंसान वहाँ पे है और आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, लेकिन अभी यूनियन, फिजिकल यूनियन नहीं हुई है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने किस फेज़ में हैं इनको, बट दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपकी शादी जिस इंसान से होगी वो सोलमेट होंगे आपके, और जो आपका कनेक्शन, जो बॉन्ड होगा वो सोल लेवल का होगा। ये सिर्फ ऊपर फिजिकल या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होगा, ये कनेक्शन काफ़ी डीप होगा, और आप दोनों के दरमियान में जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी काफ़ी डीप होगी, ठीक है। सो इट्स लुक लाइक आप लकी हैं कि आपकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो आपका सोलमेट होगा। यू विल लव इच अदर, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, सोल लेवल पे होगा, स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, ठीक है। आजकल की दुनिया में इस तरह का कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पीपल आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर फिजिकल कनेक्शन, मटेरियलिस्टिक कनेक्शन, मतलब ऐसा 333, शायद आप 33 नंबर बहुत ज़्यादा देखेंगे, मतलब आजकल की दुनिया में लोग फिजिकल यूनियन देखते हैं, किसी की ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं, किसी के पैसे को देख रहे हैं, किसी का कुछ देख रहे हैं, किसी का कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपका जो कनेक्शन होगा आज की दुनिया में, आजकल के दौर में, इट विल बी सोलमेट। सो यू आर लकी, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आई डोंट बिलीव कि आजकल के दुनिया में इस तरह के लोग जो हैं, आज बहुत बहुत रियल और बहुत कम हो चुका है ये सब कुछ। मौजूद है, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये है इस दुनिया में मौजूद है, बट बहुत कम। सो यू आर लकी, आप उन लोगों में से होंगे जो अपने सोलमेट से आपकी शादी होगी और आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। अच्छा, आप ये जो कनेक्शन है, ये पता चलेगा कि आपका जो बॉन्ड होगा अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो कैसा होगा, ठीक है। ओवरऑल शादी की जो प्रेडिक्शन है, या आपकी जो मैरिज लाइफ है, वो हमेशा के लिए कैसी रहेगी। इंटरनल फ्लेम, वाओ, सोलमेट एंड इंटरनल फ्लेम, फ्लेम एंड सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, वाओ। ओके, मैंने आपसे पहले बोला है, एक तो आप बहुत लकी होंगे क्योंकि आपका कनेक्शन अपने जो स्पाउस के साथ होगा वो ऐसा होगा कि जो हमेशा के लिए रहने वाला है, ठीक है। और जो अब ये एक कार्ड जो आपकी मैरिज लाइफ के बारे में बता रहा है और शादी के बारे में बता रहा है, इट्स अबाउट फ्लेम, इंटरनल फ्लेम, मतलब ये ऐसा लव है जो हमेशा रहेगा, मतलब मरते दम तक आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए पैशन, डिज़ायर और लव रहेगा, और हम आप लोग हमेशा ग्रो करेंगे, इसी इंसान से आपको लव रहेगा, इसी इंसान से ही आपकी शादी होगी। इट्स लुक लाइक लव मैरिज,
ज़्यादातर ये इस वक्त यही नज़र आ रहा है. बट लेट्स सी ओवरऑल आपकी जो स्पाउस है उनकी पर्सनालिटी या ओवरऑल आप किस सिचुएशन में होंगे जब आप उनको मिलेंगे. हार्ट एक एंड लॉस, सेक्रीफाइस, टू मूवमेंट चॉइसेस, डिसीजन, न्यू बिगनिंग. इट्स रिवर्स, ये स्टार्ट नहीं है, ये रिवर्स है. इंटरेस्टिंग. अब यहाँ तो दो रीज़न हो सकते हैं आप जब इनको मिलेंगे, ठीक है. या तो आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, लॉस से गुजर रहे हैं, ठीक है, और आप रेडी नहीं हैं न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि आप अभी तक अपने पास में अटके हुए हैं, स्टक हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप सैड हैं, आपको किसी का इंतज़ार है, या आपको ये लगता है कि यू आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस योर लाइफ. किसी के लिए आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हैं. जो आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए आपको शायद ये लग रहा होगा कि आपकी शादी नहीं होगी, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जो आपको लगता है कि मुझे अपने बारे में नहीं, मुझे दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना है. तो जो आपके स्पाउस हैं, आपको यहाँ पे 3 नंबर फिर नज़र आ रहे हैं, 33, तो आपकी एज हो सकती है या 32 या 23, 22, 27, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके और आपके स्पाउस की लाइफ में हो रहा होगा. मुझे ऐसा लगता है कि आप या आप हार्ट ब्रोकन होंगे, सैड होंगे, आप किसी ऐसे पेन से गुजर रहे होंगे जहाँ पे एक लाइफ आपकी एक रुक सी गई होगी, या आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, बिलीव नहीं आ रहा होगा कि आपकी भी शादी होगी. ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी और के लिए, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी और के लिए. लेट्स से आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपने सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, आप दूसरे चीज़ों का अपनी लाइफ में, आपका करियर पे फोकस है, आपका वर्क पे फोकस है, आप अपने आप को कुछ चेंज लाना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, आप अपने आप को इन हालात से मतलब लड़ना सिखा रहे हो कि मुझे इस चीज़ों से निकलना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो सकती हैं उस वक्त, ठीक है. तो आप उस वक्त अपनी लाइफ में, आप अपने बारे में नहीं, दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो. अगर आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है इस वक्त, आप डेफिनेटली इस तरह के नहीं हो, तो ये आपके स्पाउस की एनर्जी है. क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी चैनल कर रहे हैं, एक आप और एक आपके स्पाउस, जो इस वक्त इस एनर्जी में नहीं है, रीडिंग में देख नहीं रहे ऑब्वियसली. तो इसलिए या तो वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे दूसरे लोगों के लिए, मतलब, और इससे उनको कुछ मिल नहीं रहा, ऑब्वियसली सैड हैं वो, नाखुश हैं इन चीज़ों से, अनहैप्पी हैं, सैड हैं, और उनकी लाइफ में एक मुसलसल एक साइकिल चल रहा है. कार्मिक लोग हो सकते हैं ये, ठीक है. हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो अपने वर्क में इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है डेट करने को, रोमांस करने को, या शादी के बारे में सोचने को. क्योंकि एक चीज़ तो उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, उनको ऐसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा जो उनके लिए नहीं है, चूज़ तो करना पड़ेगा, और ये बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है इस इंसान के लिए. क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली चूज़ करना है, कैरियर यू, फैमिली यू, अपनी लाइफ जो उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही है वो, या उस वक्त एक शादी करनी है या नहीं करनी, ये इस वक्त इस इंसान की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होगा. और यहाँ पे न्यू बिगनिंग रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है जब आप इनको मिलेंगे, इस इंसान की लाइफ में एक डेफिनेटली ओवरऑल एक साइकिल चल रहा है, वर्क वर्क वर्क, बिजी लाइफ, करियर, कुछ और अपने ही लाइफ पे फोकस होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे, जो बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि मुझे लगता है वो अभी तक किसी पास्ट में अटके हुए होंगे, या उस हार्ट ब्रेक से अभी निकले नहीं जो उनको किसी ने दिल तोड़ा था, या उन्होंने अपनी लाइफ को किसी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और उनको लगा कि ये चीज़ अपने लिए सोचा नहीं कभी, इसलिए ये इंसान रेडी नहीं होगा न्यू बिगनिंग के लिए जो आप ट्रिगर करोगे इस इंसान के. और ये काफ़ी काफ़ी कॉशियस होंगे, बहुत सारी चीज़ों को सोच के डिसीजन लेंगे. बट दिस इज़ योर सोलमेट. अगर मैं इस इंसान की बात करी और आपको लगता है ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि ये आपका सोलमेट है, तो इसलिए आप इनको मिरर करोगे. उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं भी ये चीज़ें हो रही होंगी या हो चुकी होंगी, ये चीज़ आप डिसाइड करोगे. लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में जो सिचुएशन होगी वो ऐसी होगी कि इस इंसान को और आप दोनों को शायद न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होना पड़ेगा. जो ये इंसान उस जंप करने के लिए रेडी नहीं है, या आप कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है. अब लेट्स सी ओवरऑल देख लेते हैं. इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसिस, एरीज या एक्वेरियस होगा, ठीक है. अर्थ साइन भी हो सकता है ये इंसान. बट लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी पर्सनैलिटी पहले देखेंगे. हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे. एट ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग. इट्स अ न्यू बिगनिंग. तो और कार्ड भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एक दो कार्ड बहुत नहीं है. हु विल यू मैरी, ओ माई गॉड, एट ऑफ सोर्ड्स, डेवल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस यस. तो आई वॉज राइट,
8 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, कर्मा, ठीक है. एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से अगर हम बात करें या न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी बात करें, इट्स अ न्यूमरोलॉजी. लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें, इट्स अ कैप्रिकॉन. मुझे पहले फील हो रहा था सैटर्न एनर्जी है, ब्लॉकेज है, और 12th हाउस भी, 12th हाउस की एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट है. इस इंसान के बर्थ चार्ट में 12th हाउस में काफ़ी जो है प्लैनेट्स होंगे, या स्टेलियम होगा 12th हाउस में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लैनेट्स 12th हाउस में होंगे. सो पास्ट लाइफ का कर्मा है जो ब्लॉकेज होगा, रिमूव करना पड़ेगा चीज़ों को. सैटर्न की वजह से भी ब्लॉकेज हो सकता है. तो अगर सैटर्न है तो ऑब्वियसली लेट मैरिज होगी, शादी होगी. व्हेन आई एम सेइंग लेट मैरिज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 साल, 50 साल, 60 साल की शादी में शादी करें. नो, आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न हो सकता है या इस इंसान का. सो ये अप्रॉक्सीमेटली कब होगा, 25 के बाद, लेट्स से. सो 25 के बाद होगा, या 27, 28, 29, या 30 के बाद आपकी शादी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है. लेकिन सैटर्न रिटर्न होगा या सैटर्न की वजह से ब्लॉकेज होगा. आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, इस इंसान के बर्थ चार्ट में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है और टॉरस है, अर्थ साइन, ठीक है, और एयर भी है यहाँ पे और वाटर भी है. लेकिन ज़्यादातर डोमिनेंट है वो इस इंसान का पाइसिस, कैप्रिकॉन, एरीज और एक्वेरियस होगा, और टॉरस, सैजिटेरियस भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की साठ सती चल रही होगी या इनको बहुत सारे लेसन सीखने होंगे. तो जिस सिचुएशन में ये अटके हुए होंगे वो उनके लिए कार्मिक है और कार्मिक थी, उनको छोड़ना पड़ेगा. जिस तरह की सिचुएशन में वो अटके हुए होंगे या लटके हुए होंगे, या जिन लोगों की वजह से वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, वो उनके लिए कार्मिक है. जो कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक लेसन है, उनको लेसन का लर्न करना पड़ेगा और अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और तभी जाके आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आएगी. और क्योंकि ये इंसान रेडी नहीं है, देखा, न्यू बिगनिंग के लिए. लेकिन आपकी आने से इस इंसान की लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी कि इनको लगेगा कि नहीं, मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरी भी लाइफ है, मुझे भी आगे सोचना है, मुझे शादी करनी है. या ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया जाए, कोई इतना पागल नहीं है आजकल. लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के बहुत करीबी रिश्ते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली के लिए और लोगों के लिए वो चीज़ करते हैं. तो हो सकता है इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इस इंसान का अपने साथ एक एग्रीमेंट है, ये करियर पे फोकस करना है कि मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से निकालना है. तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में डेफिनेटली स्ट्रगल रही है फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिक लाइफ में. मतलब इनको डेफिनेटली एक लग्जरी लाइफ चाहिए, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, अच्छा मतलब रहना, खाना पीना, सहना, हर चीज़ चाहिए, जो हो सकता है उनके लिए बहुत डिफिकल्टी रही है. लेकिन वो अचीव करेंगे अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्क से, ठीक है. तो इसलिए ये इंसान को लव पे फोकस नहीं होगा. लेकिन आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली ओपन होगी, क्योंकि शादी तो आपसे होनी है इस इंसान की. तो इस इंसान को ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. लेकिन मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जहाँ पे ये इंसान पास्ट में अटका हुआ है, विद द एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, और वो सिचुएशन कार्मिक थी उनके लिए. तो उसमें उनको कोई खुशी नहीं मिल रही थी. वो उस इंसान ने उनका हार्ट ब्रेक किया, लेट्स से ये सैड थे, या अभी भी उस इंसान का इंतज़ार था, अभी भी वहाँ लटके हुए हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली ये इंसान वहाँ से निकलेगा. अपने आप को फिर न्यू रिलेशनशिप के लिए या न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन करेगा. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में या स्टक थे, तो आपको भी टाइम लगेगा हील करने में और इस इंसान को दोबारा चांस देने में, शादी के बारे में सोचने में. क्योंकि यहाँ पे सोचने में डिफ़िकल्टी आ रही है, अपने आप को इस डोर को ओपन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइफ को ओपन करने के लिए, दोबारा से ट्रस्ट करने के लिए, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है. तो वो डिफ़िकल्टी आ रही होगी आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से. लेकिन मोस्टली क्योंकि इनकी एनर्जी आ रही है तो इनकी लाइफ में ये स्ट्रगल रही है. एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये इंसान काफ़ी वर्कहॉलिक होंगे. वर्कहॉलिक इनका फोकस, इनका कैरियर, बिजनेस, बहुत ज़्यादा अचीव्स, ड्रीम्स होंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. स्लो होंगे, काफ़ी स्टेडी होंगे, लड़की या लड़का, चीज़ों को बहुत जल्दी अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास्ट की वजह से उन्होंने बहुत धिक्के खाए, बहुत धोखे खाए, बहुत झूठ, मतलब लोगों ने फ्रेप किया, झूठ बोला, सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी लाइफ को. तो वो डेफिनेटली दोबारा गलती नहीं करना चाहते. शायद इस वजह से भी ये इंसान काफ़ी टाइम लेगा आपको जानने में, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, या अपने आप को ओपन अप करने में. लेकिन इट्स वर्थ इट. जब भी ये इंसान आपके पास आएगा, या आपके पास रिलेशनशिप आपका इनके साथ स्टार्ट होगा, इट्स लुक लाइक ये इंसान टोटली पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं या कर देंगे. इसलिए ये इंसान आपके पास धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते और आपकी इंटेंशंस ठीक हैं. लेकिन शायद आपको इन द बिगिनिंग समझ ना आए कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, या आपको शायद कोई आइडिया ना हो, या वाइस वर्सा आपके पार्टनर को समझ आपकी ना आए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों का ब्लॉकेज है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का जो है ना रिमूव होना चाहिए ये सैटर्न वाली चीज़, पास्ट कर्मा, हीलिंग, ट्रस्ट करना, अपने आप को दोबारा ओपन करना. आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करोगे.
ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, डिफ़िकल्टी होगी, आपको लगेगा ये सब कुछ आपके दिमाग में है। लेकिन डेवल यहाँ पे ऑब्सेशन एडिक्शन की भी बात करता है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को काफ़ी एडिक्टिव एंड ऑब्सेस्ड है मटेरियलिस्टिक लाइफ से, कि इस इंसान को चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली रिलेशनशिप में सेटल होने के लिए, शादी के लिए सेटल अप होने के लिए, अपने कैरियर को थोड़ा सा मतलब चीज़ों को उस तरीके से नहीं चलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप उस वक्त वर्क करते हैं जब दो लोग डेफिनेटली एक दूसरे को समझते हैं और उस रिलेशनशिप के लिए रेडी होते हैं। शायद इस इंसान की आदत नहीं रही होगी, या इनको हमेशा अपने बारे में सोचना है, लोगों के बारे में, अपने जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में सोचना है, तो वो हो सकता है इनको ये डिफ़िकल्टी हो कंप्रोमाइज़ करने में, इन चीज़ों को छोड़ने में। इनकी कोई एडिक्शन हो सकती है, ऑब्सेशन हो सकता है, इनका एक लाइफस्टाइल हो सकता है कि मुझे उसमें चेंज नहीं करना, मुझे निकलना नहीं है, या अपनी एक मेंटल एक सैबोटेज एनर्जी है कि आई एम नॉट रेडी, ये शादी नहीं चलेगी, ये रिश्ता नहीं चलेगा, अब मुझे लव नहीं मिलेगा, ये इंसान मुझे धोखा दे देगा पास वाले की तरह, इस तरह की एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन दिस इज़ वर्थ इट ऑब्वियसली, क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप बहुत स्लो स्टार्ट होगा, एक दूसरे को पहले आप जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ेगा, इवन मंगनी भी हो सकती है, या पहले आप एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे उसके बाद ये रिलेशनशिप शादी की तरफ जाएगा। आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, ठीक है, या मुझे ये भी लग रहा है कि विद इन वन ईयर जब आप इनको मिलेंगे, जैसे ही आप इनको मिलेंगे विद इन वन ईयर तो इंसान ये लाजमी लेगा आपको जानने में, अपने आप को ओपन अप होने में, ट्रस्ट करने में, ठीक है, वन ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी शादी कब होगी आपकी, कब और कैसे, नहीं लेट्स से शादी कब होगी पहले ये देखेंगे, कौन से ईयर में होगी, कब तक होगी शादी। या सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये इंसान डेफिनेटली कैप्रिकॉन है, इनके बर्थ चार्ट में टॉरस कैप्रिकॉन है या वर्गो, और सेवन ऑफ वांड्स फायर साइन है। तो ये इस इंसान पे डिपेंड करता है भैया, देख लो, अगर आप लड़की हैं, आप वुमेन हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ दैट पर्सन। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि तकरीबन अगर आप इस वक्त अभी आपकी एज कम है तो 2027 में 2027 तक शादी पॉसिबल है आपकी। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान, जब मैंने आपसे कहा इनका एक सैटर्न ये रिटर्न कंप्लीट हो चुका होगा, लेसन लर्न कर लेंगे, दे आर रेडी फॉर दैट। सेवन मंथ्स भी हो सकते हैं अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, आपकी लाइफ में है ये इंसान और इस वक्त आप दोनों के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन नहीं है या समझ नहीं आ रही है, तो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी विद इन द सेवन मंथ्स, और इसी साल के अंदर ही, इसी ईयर के अंदर ही। मुझे लगता है ये इंसान अलाउ नहीं करेगा आपको, दे विल नॉट वेलकम इट। अगर ये स्पेशली हम यहाँ पे मैस्कुलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैन की बात करते हैं, लड़के की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी वर्कहॉलिक होंगे और इनको लगेगा कि अगर वो लव या रिलेशनशिप के मामले में पढ़ेंगे जो वो पहले पढ़े थे, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का लॉस्ट हुआ था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो वो इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहते। लेकिन इस इंसान को समझ नहीं आएगी कि वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्टिव होंगे, आपकी तरफ आपके बारे में सोचेंगे, और उनको नहीं समझ आएगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो ये इंसान अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। आप इस इंसान को लेट्स सी कब और कैसे मिलेंगे, अब मिलने का आप लोगों का कैसे होगा, इनको मिलेंगे कैसे, मुझे वर्क वाली जगह लग रही है, इनके वर्क के थ्रू या आपके वर्क, इनके जॉब या प्रोफेशन के थ्रू, या आपके किसी, आप किसी ऐसी जगह पे भी इस इंसान को मिलेंगे जहाँ पे जैसे पार्टी चल रही है, ठीक है, जहाँ पे कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, ठीक है, इस तरह का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेट्स सी कब और कैसे आप इनको मिलेंगे कैसे, शादी की बात कैसे होगी। फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क के थ्रू, एस ऑफ सोर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल वर्क वाली जगह भी हो सकती है, मतलब आपका प्रोफेशन या इनके प्रोफेशनल उस जगह पे, काफ़ी बिजी इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे भी आप इनको मिलेंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप इस इंसान को किसी लेट्स से इंस्टीट्यूट में मिल सकते हैं जहाँ पे लर्निंग है, एजुकेशन है, ठीक है, लेट्स से कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, मतलब हो सकता है आप इनको किसी बैंक में मिलें, ये भी हो सकता है कि आप इनको किसी एयरपोर्ट वाली जगह पे मिलें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं इर्द गिर्द, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओवरसीज़, तो यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल प्लेसेस, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी बिजी प्लेस है वो, और रेस्टलेस प्लेस, मतलब वो जगह ऐसी है कि हर वक्त बिजी है, तो इट्स मीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, एक एयरपोर्ट्स पे हो सकता है कहीं ना कहीं, या लेट्स कुछ लोगों के लिए हॉस्पिटल,
एजुकेशनल प्लेसेस जैसे इंस्टीट्यूट हैं या वर्क वाली जगह जहाँ पे हर कोई बिजी है, तो ये एक ऐसी जगह, रेस्टलेस जगह, हर जगह बिजी है हर इंसान, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। इस तरह आप इनको मिलेंगे या इसी के थ्रू आप मिलेंगे, इस तरह से कोई आपको जैसे आप मिलेंगे, या आप वहाँ पे लेट से किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं और ये वहाँ इंसान है, इस तरह भी जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, तब आप इस इंसान को मिलेंगे। या आपको इस इंसान की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हो सकता है प्रोफेशन के थ्रू, ऑब्वियसली जो आपका प्रोफेशन है या उनका, ठीक है, इस तरह से आप इनको मिलेंगे, इस तरह से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी और ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पसीने छूट रहे हैं इस इंसान के और आपके भी, हो सकता है आप इनको गर्मी वाले वेदर में मिलें, लेट से हॉट वेदर में जहाँ पे पसीने छूट रहे हैं, या इस इंसान के पसीने छूट रहे हैं, इस इंसान को डेफिनेटली क्योंकि चूज़ करना है और वो बिल्कुल रेडी नहीं है, इस इंसान को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी इस इंसान के लिए। अब इस इंसान का जोडिक साइन देख लेते हैं, आई वांट टू सी इनका जोडिक साइन क्या होगा या कौन सा प्लैनेट उनके बर्थ चार्ट में हैवी होगा। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे नेपच्यून और कैप्रिकॉन, सॉरी सैटर्न नज़र आ रहा है और जुपिटर नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी जोडिक साइन भी देख लेते हैं उनके। वीरगो, यस, लुक एट दिस स्क्वायर, काफ़ी चैलेंजिंग कनेक्शन होगा, मैंने आपसे पहले बोला था बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी होगा ये इंसान। कैप्रिकॉन, ओके, वीरगो और कैप्रिकॉन होंगे आप कपल या आप दोनों के दरमियान में, इस इंसान की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं वीरगो और कैप्रिकॉन होगा, चैलेंजिंग कनेक्शन होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिफिकल्ट, ये इंसान वर्कहॉलिक है, परफेक्शनिस्ट है और जिस तरह से इनका प्रोफेशन होगा वो उनका प्रोफेशन भी इनके लिए काफ़ी, जो भी ये वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो काफ़ी हैक्टिक है, उसके लिए इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि डिफ़िकल्ट है, काफ़ी बिजी इनका लाइफस्टाइल है इस इंसान का, डॉक्टर हो सकता है ये इंसान, बैंकर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है इनका अपना, मेडिकल फील्ड में हो सकता है ये इंसान, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हीलर हो सकता है, लेट्स से किसी न किसी तरह के लाइट वर्कर है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी मॉल में काम करते हैं या जैसे मैंने कहा किसी एयरपोर्ट्स, इस तरह की जगह पे जहाँ पे बहुत ही इस इंसान की जो लाइफस्टाइल है वो बिज़ी है और काफ़ी चैलेंजिंग है। बॉस, दिस इज़ द बॉस, ये इंसान डेफिनेटली बॉस है अपनी लाइफ का। तो कैप्रिकॉन एंड वर्गो आप दोनों कपल हो सकते हैं या आपका बर्थ चार्ट हो सकता है। अच्छा, आप लोगों की लव लाइफ आप देखते हैं, रोमांटिक आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा, उसके बाद मैं चार्म की तरफ बढ़ूंगी, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, लव लैंग्वेज और रिलेशनशिप आप दोनों का, या फ्रेंड जोन। मुझे लगता है या तो आप इनको शुरू में फ्रेंड जोन में डालेंगे या ये इंसान आपको, यस, मुझे ऐसा लगता है शुरू में आप फ्रेंड जोन रहेंगे, फॉलिंग इन लव, लेकिन ये इंसान को कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड है शायद, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, या ये आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे, आप इनको फ्रेंड जोन में रखोगे काफ़ी अरसे तक, उसके बाद ये लव बढ़ेगा आगे, बेनिफिट ऑफ द डाउट, या मुझे लगता है कि इस इंसान को डाउट होगा कि ये वाकई कनेक्शन चल सकता है नहीं चल सकता, या आप काफ़ी टेस्ट करोगे इस इंसान को। लव लैंग्वेज इज अफर्मेशंस और यहाँ पे है रीचिंग आउट, फाइनली ये इंसान आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, अफर्मेशंस का मतलब है वो डेफिनेटली आपसे बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको बोलोगे अफर्म करोगे वो चीज़ वो सुनना चाहते हैं या आपको अफर्म करते रहेंगे, आप एक दूसरे को शायद फाइनेंशियली भी मिलेंगे या फाइनेंशियली एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ग्रो करेंगे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम होंगे, जैसे ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, तो आप दोनों को लगेगा कि जो आपका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सोलमेट कनेक्शन है और चाहे कुछ भी आप कर लें आप दोनों एक दूसरे से नहीं दूर रह सकते, या नेचुरल एवोल्यूशन, तो ये कनेक्शन नेचुरली आप दोनों का नेचुरली इवॉल्व होगा और बढ़ेगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने पहले बोला था, तो इस इंसान की डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो उनको पहले पूरी करनी है, फुलफ़िल करनी है, जो भी है शायद वो एक बहुत बड़ा वजह होगी आप दोनों का ब्लॉकेज, या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, चैलेंजिंग होगा शुरू में, या शादी के बाद भी इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो ये चाहता है कि इंसान आप उनको समझो, ठीक है, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हो सकता है ये इंसान आपसे फॉरगिवनेस के लिए आए, अनदर चांस के लिए, हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला, आपको हर्ट किया और आप हर्ट हुए, लेकिन ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के दोबारा सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेगा, या ये भी हो सकता है कि फाइनली इस इंसान को पास्ट वाली चीज़ों को फॉरगिव करके आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इंसान से ये रिलेशनशिप कंट्रोल नहीं होगा, दे विल फॉल फॉर यू। जी, अब चार्म्स देख लेते हैं आप लोगों के चार्म्स, कुछ भी जो आप दोनों के लिए चार्म्स यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज यू गाइस लव इट,
तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि लव मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स और यहाँ पे है एस ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ए और के के लेटर इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे और फाइनली ये इंसान आपकी तरफ मूव करेंगे। ये इंसान चाह के भी अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या इट्स अ ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन है, लव मैरिज हो सकती है। यहाँ पे पहले लेटर्स देखेंगे, एफ ई ओ एल फेलो फूल एन नो, तो या शुरू में शायद नो आप बोलेंगे या वो। फैन, कुछ लोग आपका फैन हो सकते हैं। लायन एन फैन अनदर ओ नो नन नॉट टेन, कुछ लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। नंबर एट, यस, कर्मा एंड डेस्टिनी, सैटर्न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है रोल। आई फिट फिन लाइफ पी, या यूनिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू होगा, ये कनेक्शन काफ़ी मैजिकल होगा। आपको बिलीव नहीं होगा ये इस इंसान को कि वाकई ये सब कुछ हो रहा है। टैक्सी या कार इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप हिजाबी हो सकते हैं या मुस्लिम हो सकते हैं या ये इंसान, या किसी ऐसे कंट्री में इनको मिलेंगे। दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, यस, तो ये इंसान आपको यस बोलेगा। कैट है यहाँ पे शायद, यूनिकॉर्न है, ये चीज़ें आप देखें शायद, ये वाले साइन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे है सन लियो या हैप्पीनेस, हॉट वेदर जेम, ये इंसान आपको शायद डायमंड की रिंग भी दें या एंगेजमेंट होगी। या बर्ड मैसेज कम्युनिकेशन, तो शुरू में डिफ़िकल्टी होगी बी, लेकिन आपको ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट, टाइम लगेगा। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, या मुझे लगता है या तो आप जल्दी में होंगे या वो। यहाँ पे ईगल है, तो डेफिनेटली ये इंसान एक्वेरियस, स्पिरिचुअल या किसी लॉ से रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफिशियल या सेक्टर में काम कर रहे होंगे। इस इंसान के बहुत बड़े ड्रीम है, ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होंगे। लियो एंड एक्वेरियस यहाँ पे नज़र आ रहा है अब। यस, आप हो सकते हैं इस इंसान के साथ कहीं ट्रैवलिंग भी करें, कैंपिंग का शौक हो सकता है। ये इंसान काफ़ी एडवेंचरस भी हो सकता है, ओपन माइंडेड होगा ये इंसान। या लुक एट दिस एरोप्लेन, तो डेफिनेटली या तो वो वर्क करते हैं इन जगहों पर या ट्रैवल बहुत करते हैं या उनकी जॉब ऐसी है या लॉन्ग डिस्टेंस होगा या आप ट्रैवल करके जाएंगे। यू आर सेफ विद मी, यस, इनके साथ ट्रैवल करेंगे आप। यहाँ पे मैरिज और प्रपोजल फिर आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको किसी ट्रिप पे या पिकनिक पे या आप कहीं जाएंगे ट्रिप पे, बिजनेस ट्रिप पे या वैसे किसी ओवरसीज़ आप जाएंगे तो वहाँ इनकी मुलाकात आपसे हो सकती है, या वो आपके लिए आएंगे ट्रैवल करके, या आप इनके साथ किसी हनीमून फेज़ भी है, शायद आप कहीं बाहर जाएँ हनीमून शादी के बाद। आपका प्रपोजल काफ़ी मेमोरेबल होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, एक चीज़ याद रखिएगा। सो दैट्स योर रीडिंग, मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके लेटर्स हैं ये, इनिशियल्स ये हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों की शादी किससे और कब होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, या अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है तो। वी हैव अ फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक ड्रीम एंड इमेजिन। ओके, या तो आप में से एक इंसान को या दोनों को पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, शायद आप दोनों ही का हार्ट चक्र क्लोज होगा। या ये भी हो सकता है कि इस इंसान को शायद आपको फॉरगिव करना पड़े, या इस इंसान को किसी और को फॉरगिव करके लेट गो करना पड़ेगा ताकि वो आपको वेलकम कर सकें। कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जीज होंगी जो आप दोनों को मिरर करेंगी, या आप दोनों को ही पास्ट वाली एक दूसरे के अंदर एनर्जीज वो नज़र आएंगी। आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, या ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे एक और चांस के लिए आए। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ पॉसिबल कि ये इंसान वो है जिसमें आपने अपने पास्ट को लेट गो करना है, उन चीज़ों को नहीं दोहराना है, रिपीट नहीं करना है, और एक लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना है। न्यू बिगनिंग, ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, चाहे इसी सेम इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी या किसी नए इंसान के साथ, लेकिन पास्ट को लेट गो पहले करना पड़ेगा। जो कोई बहुत डिफिकल्टी होगी आपके लिए ओपन अप होना। लेट्स सी नाउ, आप दोनों की जो मैरिज लाइफ है वो कैसी होगी, उसका क्या बेसिक, पूरी शादी ओवरऑल शादी कैसे चलेगी, आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन क्या होगा। वी हैव अ लव, तो ये जो कनेक्शन है इसमें लव को चूज़ करने की ज़रूरत है, और आपकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव मैरिज होगी या शादी के बाद आपका लव स्टार्ट होगा। या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं पहले कहूँगी लव मैरिज नहीं है ये आपकी, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज है। कुछ लोगों के लिए ये होगा कि आपके अब तक शादी से पहले के जितने भी कनेक्शन थे या जिसके साथ भी आपने कोशिश की, ट्राई की, वो कभी चला नहीं। दोनों को, आप दोनों ही लकी अनलकी रहे, या आप अनलकी रहे, या आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी वो अनलकी रहे, और शादी के बाद आपको फाइनली समझ आएगा कि ट्रू लव क्या है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वही आपको लगेगा दिस इज़ ट्रू लव, यही वो इंसान था जिसका आपको इंतज़ार था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद आपका लव स्टार्ट होगा।
और शादी के बाद ही आपको समझ आएगी व्हाट द ट्रू लव इज. लेकिन उससे पहले आपके कनेक्शन नहीं चले या आपके पार्टनर के, फ्यूचर स्पाउस के. अब ओवरऑल देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में होंगे जब आप उनको मिलेंगे, क्या हालात होंगे आपके उनके. वी हैव अ क्राउन चक्र. या शादी किस तरह के इंसान से आपकी होगी. यूनिवर्स ट्रैप्ड इन फेयर पेशेंस. यस, तो ये जो भी इंसान है, आई टोल्ड यू यहाँ पे है ट्रैप्ड इन फेयर. तो यहाँ पे डर है कि ये चीज़ दोबारा हो जाएगी. एट इज कर्मा, इट्स अ डेस्टिनी. यहाँ पे यूनिवर्स है, इट्स अ वर्ल्ड कार्ड, राइट. पास्ट वाली चीज़ों का डर कि ये दोबारा वैसे हो जाएगा, ये मेरे साथ वैसा करेगा, ये मेरे साथ वैसे करेगी, ये मुझे हर्ट करेगा, ये मुझे हर्ट करेगी. या ये हो सकता है कि ये, मैंने जैसे कहा, ये वही इंसान है जिसमें आप दोनों के दरमियान में गलतियाँ हुई, या इस इंसान से गलती हुई आपके फ्यूचर स्पाउस से, और उनको वो रिग्रेट होगा. चाहे वो आपके साथ है, चाहे उन्होंने एक गलत फैसला आपको मिलने से पहले लिया था, जो रिलेशनशिप में रहे वो उसी में पछता रहे होंगे कि क्यों किया मैंने ऐसा. तो आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा. और यहाँ पे यूनिवर्स है, तो ऑब्वियसली आप दोनों का आना, आप दोनों का मिलना एक किस्मत. हर कनेक्शन वैसे ऐसे ही होता है, लिखा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि ये बॉन्ड ऐसा है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इनको मिलने से पहले या आप दोनों का एक दूसरे की दुनिया में आने से पहले, यूनिवर्स एक दूसरे की वर्ल्ड में आने से पहले, आप ये इन इंसान के बारे में साइंस देखेंगे. ठीक है, आपको ऑलरेडी आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखेंगे इस इंसान के बारे में, साइन नंबर आएंगे, बर्थडे सॉन्ग सिंबल्स, हर चीज़ इस इंसान के बारे में आपको याद दिलाएगी. चाहे तो या तो आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ. यहाँ पे दो एनर्जीज़ हैं, एक वो इंसान जो वापस आएगा और आपको इस इंसान की एनर्जीज हॉन्ट करेंगी हर जगह पे, और आपको लगेगा ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्या यूनिवर्स बताना चाह रहा है इस इंसान के बारे में. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल बैठ जाएं इस इंसान का वेट करें, नो, क्योंकि जब तक ये इंसान आएगा नहीं, आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, अपनी गलतियों का पछतावा नहीं करेगा, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी है, कर्मा है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है. यहाँ पर लेसन है जो आप दोनों ने लर्न करना है. आपको इस इंसान के साथ पेशेंस भी रखना है, क्योंकि ये इंसान इतनी जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि इस इंसान के दरमियान में बहुत, इस इंसान के दिमाग में बहुत सारा जो है ना रिग्रेट होगा, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, चैप्टर क्लोज करने हैं पास्ट को. ये हो सकता है कि इस इंसान को इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या मैच्योरिटी नहीं होगी जब आप इनको मिलेंगे, या आपका कनेक्शन जो है इस इंसान को फोर्स करेगा कि वो चीज़ों को दूसरे तरीके से समझे, वो चीज़ों को क्लोज्ड आई से समझे, जिसे हम क्राउन चक्रा बोलते हैं. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना, अपने गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करना, ये चीज़ें उनको नहीं आती होंगी, बाद में समझ आएंगी, यूनिवर्स समझाएगी या आपका कनेक्शन इस इंसान को समझाएगा. यहाँ पे आपको इस इंसान के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली किसी ऐसे सिचुएशन को या चैप्टर को क्लोज कर रहे होंगे जो उनको करना है, मेंटली या इमोशनली, या फाइट कर रहे होंगे. एक कुछ चीज़ें हैं जो उनको हील करनी है, और ये इस इंसान के बारे में, आपके बारे में नहीं है. और कुछ लोगों के लिए जो इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप ऑलरेडी आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ एक साइकिल कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहती है. यूनिवर्स चाहती है कि आप इस इंसान को एक और चांस दें, और इस इंसान को पछतावा होगा. नाउ लेट्स सी कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी. इस इंसान के ये डेफिनेटली ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, इनके बर्थ चार्ट में कहीं सैजिटेरियस होगा, कैप्रिकॉन होगा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, फिक्स साइन कहीं ना कहीं होगा, लेकिन सैजिटेरियस भी होगा. लेट्स सी, इस इंसान ने हमेशा अपनी मेंटल, इन्होंने हो सकता है गलतियां इसलिए की होंगी क्योंकि इनको सैबोटाज करना आया, मतलब अपने बारे में नहीं सोचा, चीज़ों को सही तरीके से, गलत तरीके से हैंडल किया, चीज़ों को सही तरीके से नहीं किया. बहुत सारी चीज़ों का पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है आपके साथ, या जो उन्होंने पास्ट में किया, पास्ट में की गलती, उनको ये लगता है कि ये दोबारा ऐसा ही होगा. मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है इस इंसान को डिप्रेशन से भी फाइट करना पड़ेगा आपको मिलने से पहले, या आप इनको उस सिचुएशन में मिलेंगे जब इस इंसान की लाइफ में बहुत 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 डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, स्पेशली मेंटली. दे विल बी मेंटली सिक, डिप्रेशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे शादी के लिए, लोगों के लिए, लव के लिए, फ्रेंड के लिए. या आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर मैं उनकी बात कर रही हूँ, या रिग्रेट होगा पास्ट को लेके, उसी रिग्रेट में अंदर ही अंदर अपने आप को खाए जा रहे होंगे. लेट्स सी,
या आप आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है पास्ट में जिंदा है, अभी तक पास्ट पास से निकल ही नहीं पा रहे, क्लोज ही नहीं कर पा रहे वो चैप्टर. नाउ लेट्स सी क्या टावर द वर्ल्ड. वर्ल्ड यहाँ पे दो दफ़ा आ रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स. यस, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान की डिवोर्स हो चुकी होगी, टू बी ऑनेस्ट, या आपकी डिवोर्स हुई है या इनकी, कुछ ना कुछ ऐसा साइकिल चल रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस सिचुएशन से. ये जो भी सिचुएशन है पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, डिवोर्स है, सेपरेशन है, कार्मिक साइकिल है, उस चीज़ को एंड करना है, उस चैप्टर को क्लोज करना है, पास्ट को लेट गो करना है, दोबारा से न्यू चैप्टर करना है, स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप में जाना है, ट्रस्ट करना है दोबारा से. एरीज हो सकता है इंसान, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लियो, फिर भी मैं बात करूँगी, फिक्स साइन कहीं ना कहीं होगा इनका, लेकिन वर्ल्ड यहाँ पे दो दफ़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली हैवी कैप्रिकॉन और मर्स एनर्जी है, सैटर्न और मर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो ये काफ़ी मैस्कुलिन पर्सन होंगे. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, तो मुझे लगता है कि आप इनको उस वक्त मिलेंगे जब वो अपने आप को लाइफ से रिसेंटली सिंगल कर रहे होंगे, या किसी सिचुएशन से निकल रहे होंगे, ब्रेकअप से निकल रहे होंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर रहे होंगे, अपने आप को फ्री करेंगे और सिंगल रहोंगे. हु विल यू मैरी? कुछ लोगों के लिए आपकी मुलाकात इनसे इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे हो सकती है, किसी ऐसे इवेंट पे भी हो सकती है जहाँ पे आप अटेंड करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे लोग फॉरेन आए हुए हैं, वो फॉरेन प्लेस है, कंट्री है, या कोई ऐसा टावर है, ऐसी जगह है, लेट्स से स्पेशल, लेट्स से बिल्डिंग है जहाँ पे फॉरेनर आके विजिट करते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे भी होंगे और आपकी मुलाकात उस जगह पे इस इंसान से हो सकती है, और ये अनएक्सपेक्टेड और सडन होगी, या आप इस इंसान की कंट्री में होंगे और आप उस जगह फेमस प्लेस पे होंगे और ये इंसान वहाँ पे आपको मिलेंगे, ये भी हो सकता है. बट दिस इज लॉट, बट ये वाला कार्ड आया था, आई विल सी, थ्री ऑफ वांड्स, यस. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आउट ऑफ कंट्री रहते होंगे या ट्रैवल करके गए होंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है. या इस इंसान का उस वक्त, इस इंसान की एक इतनी बड़ी लाइफ में हो सकता है, पूरा सेटल डाउन हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है ये इंसान, या अपना कंट्री छोड़ रहे हैं या कंट्री में वापस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है. कुछ ना कुछ है जो इस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, एक चैप्टर क्लोज करके आ रहा है इंसान, और इस इंसान की न्यू बिगनिंग है. हो सकता है ये इंसान, या मुझे लगता है कि हो सकता है आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, कल्चर डिफरेंस, या वैसे ही शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, ब्लॉकेज होगा. द डेथ कार्ड स्कॉर्पियो, यस, दिस इज़ लिटरली, यहाँ पर एक चीज़ बात कर रही है कि ये इंसान हो सकता है किसी द एंड कोई चैप्टर क्लोज कर रहा है, शादी से निकल रहे हैं, ब्रेकअप से निकल रहे हैं. हो सकता है इस इंसान की मंगनी काफ़ी अर्सा रही, वो टूट गई, या आपकी शादी नहीं हो पाई, ये भी हो सकता है, या शादी टूट गई, डिवोर्स है, सेपरेशन है किसी के साथ, एक ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स है, हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, उससे गेट ओवर ही नहीं कर पा रहे थे, निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन निकलेंगे तो आपसे मिलेंगे. थ्री ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स. एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, ट्रैजिक वाक्य होंगे, मोमेंट होंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज इस इंसान ने देखा होगा. ये भी हो सकता है कि आप इनको लाइफ में उस वक्त मिलें जब ये अपने, इन्होंने किसी अपने को खोया होगा और इनकी पूरी दुनिया चेंज हो गई, किसी अपने को खोया होगा, या किसी बहुत बड़े लॉस से गुजरा होगा ये इंसान, डिप्रेशन से निकल रहा होगा ये इंसान, एक उम्मीद की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन आपकी ये इंसान उस वक्त आपको मिलेगा जब आप इस इंसान की लाइफ में एक उम्मीद बन के आओगे. यू विल बी दैट लाइट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है, या फोर ऑफ कप्स. मुझे नहीं लगता कि ये इंसान उस वक्त लव या रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होंगे, इनका फोकस अपने कैरियर, अपने आप पे, अपने फ्यूचर पे, या उस वक्त जैसे वो एक चैप्टर क्लोज करके आ रहे हैं, इतना बड़ा चैप्टर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो फिजिकली मतलब डिस्टेंस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, तो उस वक्त उनका दिमाग इस वक्त लव या रिलेशनशिप में नहीं होगा, तब आप इनको मिलेंगे. इस इंसान का जो ब्रेकअप हुआ होगा, लेट से आपसे मिलने से पहले जो रीसेंट ब्रेकअप हुआ होगा या रिलेशनशिप में वो रहे होंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट था, वो कार्मिक था उनके लिए, चाहे शादी थी, लेट से टूट गई, हुई नहीं, ब्रेकअप हो गया, किसी को खोया, जो भी था, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस था इस इंसान के लिए. लेकिन ये इंसान उस वक्त एक उम्मीद से फिर आगे बढ़ रहा होगा, तब आप उनसे मिलेंगे. ये इंसान एक उम्मीद की तरफ बढ़ रहा होगा, फिर से इस इंसान की लाइफ में लाइट आएगी, और इस इंसान को डेफिनेटली डिससेटिस्फैक्शन होगी रिलेशनशिप में, उनको वो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिली जो उनको रिलेशनशिप्स में चाहिए होगा, लव में चाहिए होगा, वो उनको वो चीज़ मिली नहीं, तो ऑब्वियसली वो उनको आपके साथ मिलेगी, बिकॉज यू विल मैरी दिस पर्सन. और कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला था, आई टोल्ड यू,
दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो गई है, आपने अपने आप को फ्री कर दिया क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया या लेट से आपको चूज़ नहीं किया, जो भी डर था खौफ था इस इंसान को लॉन्ग डिस्टेंस का, या इस इंसान को ये लगा कि ये चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि आप आउट ऑफ कल्चर हैं, आउट ऑफ रिलीजन है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ये इंसान हो सकता है फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, या हो सकता है ये इंसान आप दोनों के दरमियान में वर्ल्ड का डिस्टेंस था, आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं, तो इस इंसान को लगा ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये वो इंसान है फिर वापस आपकी तरफ ट्राई करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है, इंसान स्कॉर्पियो डेफिनेटली फिक्स है, स्कॉर्पियो टॉरस लियो एरीज कैप्रिकॉन इनके बाद चार्ट में होगा या एट ऑफ सोर्ड्स, तो शुरू में शायद आपको समझ नहीं आएगी कि ये इंसान चाहता क्या है, इस इंसान को क्या चाहिए, या हो सकता है आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड होंगे और आपको इस इंसान की समझ नहीं आएगी, या ये इंसान जब आपको लिए प्रपोज करेगा या आपको रिश्ते के लिए बोलेगा सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इस इंसान की जेन्युइन फीलिंग्स है या नहीं, या ये इंसान जब वापस आएगा तब भी आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि क्या आपको इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी होगी। बट लेट्स सी, मुझे ये भी लगता है कि इस इंसान को लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन इस इंसान को हमेशा आपका इंतज़ार रहेगा, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आप में। लेट्स सी आप इनको कब और कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कैसे, शादी कैसे होगी, शादी तक बात कैसे जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, या आप इनको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जिसने या तो आपका दिल तोड़ा है और आप सोचेंगे कि वाकई मुझे इस इंसान को एक और चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप एक बहुत ही, शायद आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप चल रहा है, आपकी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल चल रही है, तो आप सोचेंगे कि मुझे इस इंसान को चांस देना चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रही है, आप भी हर्ट हैं, आप भी सैड हैं, या आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने इस हार्ट ब्रेक को, या जो भी आपकी सैडनेस है उसको हील करने के लिए आप अपने वर्क में बिजी हैं, ठीक है, या आपको ये लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या अगर ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट करता भी है तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि ये इंसान कितना जेन्युइन है आपके साथ, वाकई सीरियस है या नहीं। शुरू में मुझे कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं आप दोनों के दरमियान में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रहा है, अगेन आपको यहाँ पे लग रहा नज़र आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, आपको लगेगा इट्स नॉट पॉसिबल, आपके पार्टनर को भी लगेगा इट्स नॉट पॉसिबल, या आप दोनों के दरमियान में जो बैकग्राउंड का डिफरेंस है आपको लगेगा ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को मैच कर सकें। सो नाउ लेट्स सी कि किसी फीमेल के थ्रू भी आपकी हेल्प हो सकती है, शायद कोई फीमेल आपको हेल्प करे, गाइड करे आपको इस इंसान की तरफ, आपकी फ्रेंड है, आपकी बहन है, सिबलिंग है, आपकी मदर है, या इस इंसान की लाइफ में उनकी फ्रेंड, उनकी फीमेल, उनका पार्टनर, लेट्स से उनका बिजनेस पार्टनर, या कोई ऐसा इंसान है जो फीमेल होगा, फीमेल फिगर, वो आप दोनों को शायद हेल्प करवाए मिलवाने में, ये भी पॉसिबिलिटी है, या इंट्रोड्यूस करवाए। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ना कोई ऐसा है, या तो आपको चांस लेना पड़ेगा या आपके पार्टनर को, या आपके पार्टनर किसी को, किसी की हेल्प लेके आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, ये भी लग रहा है। सो लेट्स सी कब तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं इनको, इनके साथ कब तक शादी होगी। यस, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, कुछ लोगों के लिए इसी साल में चांसेस हैं, यू विल मीट दिस पर्सन, अगर आप इनको अभी तक नहीं मिले हैं तो आपके इसी साल में चांसेस हैं इनको मिलने के, डेट करने के, लव में फॉल होने के, रिलेशनशिप में होने के, और कुछ लोगों के लिए भी मजीद टाइम लगेगा, 2 to 3 years, या 2005 तक या 6 तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए इसी साल के चांसेस हैं, ओके, अगर नहीं है तो थोड़ा सा डिले है, तो इसी वजह से डिले है, या तो आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है या आपके पार्टनर को। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा इनके साथ, या मुझे लगता है ये न्यू लव है आपके लिए भी और इनके लिए भी, वाओ, लाइफ पार्टनर, या दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ पार्टनर। यहाँ पे है सेल्फ लव, इट्स रिवर्स, तो या तो आपको कमी है सेल्फ लव की, आप अपने आप को बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते कि ये इंसान आप इंटरेस्टेड है, या उनको भी ऐसे फील होगा, या रिकेंडल, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोबारा मिलेंगे, ये जो भी इंसान है, लेट्स से आपका ओल्ड क्रश है, ओल्ड फ्लिंग है, ओल्ड लव है, या कोई ऐसा इंसान आपको लगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जिसने आपको फ्रेंड जोन में डाला, जिसने आपका दिल तोड़ा, या लेट्स से आप दोनों ही किसी और ही दुनिया में थे जब एक दूसरे को मिले, आप किसी और के साथ थे, ये इंसान किसी और के साथ था, फिर आपको लाइफ दोबारा मिला रही है, ये भी हो सकता है, इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो, ये उन लोगों के लिए, दिस पर्सन विल लव यू सो मच, या सोलमेट, क्योंकि आप सोलमेट्स हैं, या मोमेंटो,
गिफ्ट होगा इस इंसान की तरफ से, आपको गिफ्ट रिसीव होगा, ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भेजेंगे या ये इंसान आपके लिए गिफ्ट बन के आएगा लाइफ में। बेनिफिट ऑफ द डाउट, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी डाउट करेंगे, आपको काफ़ी ट्रस्ट नहीं होगा। इस इंसान की बॉडी फिगर आपको नजर आ रहा है, ये इंसान जिम ज़्यादा करते होंगे, बॉडी ज़्यादा दिखाएंगे, शो अप करेंगे, मैस्कुलर अगर है तो अपने आप को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये इंसान काफ़ी मैस्कुलर होगा, टैन स्किन होगी या डार्क स्किन होगी, आपके दरमियान में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी या लव अफर्मेशंस, और यहाँ पे है लव लैंग्वेज, एक्ट्स ऑफ सर्विस। या मुझे लगता है ये इंसान आपके लिए आपको गिफ्ट देंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए करेंगे, दे विल कुक फॉर यू, दे विल मेक थिंग्स फॉर यू, इस तरह का लव होगा जो आपको वो दूसरे तरीके से शो करेंगे, अपना लव इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करेंगे। या मुझे लगता है कि ये इंसान किसी की सपोर्ट लेके आपकी तरफ आएंगे, यू आर वर्थी, लेकिन आपको डाउट होगा कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, आपको डेफिनेटली बिलीव करना पड़ेगा कि यू डिज़र्व दिस लव और ये इंसान वाकई आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा या इनको यकीन नहीं आएगा। ओपन योर हार्ट, यस आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। मुझे लगता है आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ न्यू लव, इट्स अ न्यू बिगनिंग इन लव, आपको डेफिनेटली इस इंसान को चांस देना पड़ेगा, अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। या तो ये इंसान वापस आ रहा है, ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े मेजर ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद या किसी ऐसी सिचुएशन के बाद आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इस इंसान को अपनाने में, ट्रस्ट करने में, या उनको आप में, या आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर के आए होंगे पास से, तो इसलिए आप दोनों को एक दूसरे को ट्रस्ट करना ज़रूरी है। ओके, अब इनके प्लैनेट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, कि प्लैनेट्स क्या हो सकते हैं या आपको उसको क्या देखने की ज़रूरत है। या लिब्रा सिक्स हाउस एंड मून, इनका लिब्रा मून हो सकता है या इनका मून सिक्स हाउस में होगा, या ये इंसान लिब्रा सिक्स हाउस हो सकते हैं, आई डोंट नो, सिक्स हाउस इज़ विरगो, ये विरगो हो सकते हैं, मून पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है। या ये इंसान क्राफ्ट से रिलेटेड फीलिंग्स, इमोशनल, काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आइडियलिस्टिक हो सकता है, ये इंसान काफ़ी रोमांटिक होगा, तो आप इनको वर्क के थ्रू, इनके आर्ट के थ्रू या इनके प्रोफेशन के थ्रू मिलेंगे, या आप कि आपके प्रोफेशन के थ्रू सोशल मीडिया पे भी आप इनको मिल सकते हैं, या सोशल गैदरिंग में, ये इंसान काफ़ी सोशल हो सकता है, या आप इनको किसी सोशल गैदरिंग में मिलेंगे वर्क के थ्रू, या आप दोनों शादी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठे करेंगे, ठीक है, आप दोनों शायद प्रोफेशनली कुछ चीज़ें करें या रोमांटिकली सोशल मीडिया पे। सिक्स हाउस हीलिंग की भी बात करता है, वर्क रूटीन, जॉब, या मुझे लगता है कि आप इनको वर्क के थ्रू भी मिलेंगे, इनका वर्क या आपका वर्क। या यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, जोकर, और यहाँ पे फोर ऑफ कप्स। यस, मुझे लगता है या तो आप शुरू में इस इंसान को मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, या ये आपको नहीं सही तरीके से देख पाएंगे, यहाँ पे ईवल आई भी है, तो काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप से जेलस होंगे, या इस इंसान का एक्स जिनको वो छोड़ के आ रहे हैं, या आप जिसको छोड़ेंगे पीछे, तो काफ़ी ईवल है, काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे किस मी। या मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे, प्रपोज करेंगे, और जो फर्स्ट प्रपोजल में किस भी होगी, इवन ये इंसान आपको कुछ फ्लावर भेजेंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है काफ़ी रोमांटिक होंगे, यू आर सेफ विथ मी। या मुझे लगता है काफ़ी सारी जेलसी होगी, या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इंसान आपको अपने साथ काफ़ी सेफ फील करवाएगा। यस, हो सकता है ये इंसान पोलो प्ले करते हैं, या हॉर्स राइडिंग, या कुछ इस तरह के गेम में, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं इंसान। यू आर इनफ, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट इनफ, लेकिन इस इंसान की नज़र में आप सब कुछ हैं, बी काइंड। या मोटरसाइकिल, तो ये इंसान डेफिनेटली इफ नॉट नाउ देन व्हेन। यहाँ पे लेटर्स देख लेते हैं, डी ओ डू एट, यहाँ पे कर्मा है, डेस्टिनी है, आप शायद इनको अगस्त में मिलें, एक्स, आपका एक्स या इनका एक्स बीच में इन्वॉल्व होगा, आई जो जेलस होगा, टी एन नो, तो शायद आप इनको नो बोलते रहेंगे, लेकिन टैक्स या लेकिन ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा। फैक्ट्स, फैट, शायद आपको लगेगा यू आर फैट, या आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए वर्थी नहीं हो, आप इनके आइडियल टाइप नहीं हो, लेट से ये इंसान आपको लाइक नहीं करता, वो अट्रैक्टिव हैं, वो हैंडसम हैं, वो खूबसूरत लड़की है, वो इस तरह, मतलब आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ होंगी जो कि इस इंसान की तरफ से नहीं, आपको खुद फील होंगी, या लोग आपको शायद करेंगे, वी हैव अ फैन, तो या तो ये इंसान आपका फ़ैन हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं हो, या आप इनके फ़ैन होंगे, या वो आपके फ़ैन होंगे, एंड सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है ये इंसान आपका, सी सी एन एन, आई डोंट नो, वी हैव अ टी, टेन, टेन ईयर्स एज गैप हो सकता है,
एन नॉट डॉट, बहुत ज़्यादा एन और ओ है यहाँ, सैटर्न है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, या वाइजर एक्सपीरियंस्ड, कर्मा डेस्टिनी यहाँ पे आप दोनों को मिला के रहेगी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो कि जेलसी है यहाँ पे, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिव होगा, स्पिरिचुअल होगा, ये इंसान आपको प्रिंसेस की तरह रखेंगे। इस इंसान की नज़र में आप सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग जो उनको चाहिए, यू आर वेरी क्यूट, आप उनको लगेगा यू आर एंजल जो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, काफ़ी ब्रेव और करेज इस इंसान को दिखाना पड़ेगा, काफ़ी बोल्ड होंगे और बोल्ड चीज़ आपके लिए करेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।